किस बजट में गाड़ी को? 35,000 का बजट है गाड़ी का। ये स्टेरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो वर्किंग रहेंगे। सुपर स्टेरिंग रैप जो है वो भी किया जा चुका है। ये जो लगाया हमने जिगजैग इंजन लगाया है। एक टायर डाला जिसकी कॉस्टिंग आती है 1100 रुपए की। इसमें एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉइड ऑटो है, 4GB रैम है, 32GB इंटीरियर है, ऑक्टा कोर है, 1 साल की भैंस की वारंटी आती है। भाई ESG लगाया है, 1080 पिक्सल का ये, और इसकी भी 1 साल की वारंटी आती है। कैमरे की क्वालिटी देखो कितनी क्लियर आ रहा है। क्यूपो मैक्स वाले जो अपने यहाँ पे मैच है वो लगाए गए हैं। मारुति जेन्युइन जो है वो रहने वाला है। यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग स्लाइडिंग का फीचर वर्क करेगा। नीचे आपको स्पेस भी मिल जाएगा। भैया ने काम किया है, यहाँ की मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो बेटर है, बहुत ही ज्यादा बेटर है। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी मनीष कार की सीरीज करोल बाग में, और अगेन अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्ग। सबसे पहले मिलते हैं मनीष भाई से। मनीष भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भैया। तो आज कौन सा स्पेशल वीडियो लेकर गया? आज सिंगमा मॉडल है। हाँ जी, इसको हमने अल्फा तक पहुंचा दिया जहां तक हो सके। तो बजट बताइए सबसे पहले, किस बजट में गाड़ी को? 35,000 का बजट है गाड़ी का। 35,000 रुपए के बजट में जो है इस सिग्मा मॉडल को जो है वो अपना कस्टमाइज किया गया है। तो ये एक अच्छा वीडियो होने वाला है कि अगर आप एक बजट मॉडिफिकेशन करवाते हैं चाहते हैं तो आप इस बजट के अंदर करवा सकते हैं। तो क्या कुछ लगाया आपने? हमने चेंज नहीं है कुछ भी। ठीक है, अगर फ्रंट से किसी भाई को लगवाना हो तो हेडलाइट लग जाएगा, 3 टाइप के अंदर आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। किसी भाई को लगवा तो पार्किंग बल्ब इसमें लग जाता है व्हाइट कलर का, वो भी लग जाएगा। उसमें हेडलाइट भैया टॉप मॉडल का लग जाएगा। उसमें 3 मुख तरह का लाइट होता है प्रोजेक्टर, वो भी लग जाएगा। थ्रो उसका ठीक ठाक थ्रो है। ठीक है, अगर वो पसंद नहीं आपको उसकी जगह आप LED लगा लो, मतलब कि इसी हेडलाइट के अंदर आप LED लगा सकते हो। 50 वाट LED है, 1500 से अपना 7,500 तक, 250 वाट तक। तो अलग अलग वेराइटीज जो है वो आपको इसमें मिल जाएंगी। उसकी अल्ट्रा वाइड थ्रो होता है और हैवी थ्रो होता है हेडलाइट के मुकाबले। ठीक है, तो लाइट अगर आपको चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए तो आप इसमें LED लगवा सकते हो। जो कि हमने हेडलाइट में चेंज मत करवाओ, LED डालो, सबसे बेस्ट वही रहता है। ठीक है, हमने पुराने कई सारे वीडियोज के अंदर दिखाया हुआ है, आप जो है LED लगवा सकते हो। इसके अलावा साइड प्रोफाइल से, तो इसमें एक डिवाइजर जो नक्शा जन मैंने उसमें लगाई दिया हमने, एंड 100 कम लगा दिया गैलियो कंपनी का। इसका प्राइस 800 रुपये का आता है। ठीक है, किसी भाई को अगर साइड मीरिंग चाहिए तो वो मिल जाएगा, साइड मीरिंग मिल जाएगा। उसके बाद भैया बैक साइड से बात करते हो तो इसमें सबसे पहले हमने कैमरा लगाया। कैमरे की फिटिंग हमने क्या OEM जगह पे या कंपनी लगा के देती है प्रॉपर। ये देखो नंबर प्लेट की ठीक जी भैया, ESG कैमरा है और 1 साल की वारंटी है इसकी, वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रोटेक्ट है और क्वालिटी बहुत हैवी है। अभी अंदर चलेंगे और आपको दिखा भी देंगे। ठीक है, मतलब इस वाली गाड़ी के अंदर जो मेन काम हुआ है वो अंदर से हुआ है। जी भैया, भैया डिक्की से चलते हैं। ये चाहिए डिक्की क्रोम, वो भी मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद अब इसमें हमने एक टायर डाला जिसकी कॉस्टिंग आती है 1100 रुपये की। जेन्युइन है अपनी? जेन्युइन भैया, मारुति जेन्युइन आती है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी भाई को डिक्की लाइट चाहिए वो मिल जाएगा, बोट लाइट जो कहते हैं, उसके भैया 300 या 500 के रेंज में आता है, दोनों फिट करके वो भी मिल जाएगी। उसके बाद मैट हमने डाला QP की वैक्स का, जो भैया लाइफ लॉन्ग गारंटी है और JFX जैसी क्वालिटी, सेम क्वालिटी का। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखा देते हैं। दिखाते हैं आप। तो अंदर से क्या रहेगा मनीष भाई? अंदर से भैया हमने स्टेयरिंग कवर पूरा भैया का चेंज कर दिया है। तो फुल ब्लैक? हाँ, फुल ब्लैक अंदर चेंज किया है। अच्छा, ये स्टेयरिंग चेंज जो है वो अपना कर दिया गया है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो पैडल शिफ्टर वाला स्टेयरिंग व्हील है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। हालांकि इसमें ओनली स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो वर्किंग रहेंगे, क्रूज कंट्रोल वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वॉल्यूम माइनस भी हो रही है, वॉल्यूम प्लस भी हो रही है, म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा, और अपने जो कॉल पिक एंड ड्रॉप के BT वगैरह के सारे बटन जो है वो आपको प्रॉपरली वर्किंग देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ इसके ऊपर स्टेयरिंग रैप जो है वो भी किया जा चुका है, जिगजैग इंजन लगाया है, और इसका जिगजैग पैटर्न जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जनरली नॉर्मल वाला जो रैपिंग का काम है वो होता है, बट ये वाले डिजाइन जो है वो आप चेक कर लीजिए, ऑल कस्टमर डिमांड इसको किया गया है। इसी पे कॉस्टिंग आती है 3500 रुपये का स्टीयरिंग, जो हम पूरा चेंज करते हैं, मतलब मारुति जैन में। ओके, प्लस माइनस सब इसमें वर्किंग करता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होता है इसमें, और हब भी लगाते हैं प्रॉपर जैन हब जो है उसके साथ ये काम हो गया है। स्पीकर वगैरह कौन से लगाया आपने? स्पीकर भैया जो कंपनी लगा देती है हर्ट्ज कंपनी का विद मारुति जैन, वही सेम टू सेम हमने लगाया, वही सेम वाला जो है वो लगा दी गई। तो कंपोनेंट है, खाली कोएक्सियल लगाया है? कंपोनेंट है और ट्यूटर का प्लेस हमने वहाँ कर दिया, जो हम हर जगह करते हैं। ट्यूटर सेट जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा प्रॉपर दोनों साइडों में जो है वो रहने वाला है। ये आप कुछ तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। तो ट्यूटर सेश वगैरह के साथ जो है 4 स्पीकर और अपने 2 ट्यूटर जो है वो लगा, 2 ट्यूटर 2 क्रॉसओवर। क्रॉसओवर ये होता है कि एम्पलीफायर के साथ आप कनेक्शन कर सकते हो उसको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या रहेगा? एंड्रॉइड लगाया हमने, इसमें एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉइड ऑटो है, हाँ, 4GB रैम है, 32GB इंटीरियर है, ऑक्टा कोर है, 1 साल की भैंस की वारंटी आती है। टच का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। डैशबोर्ड का है और इसमें कई सारे एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएंगी, लाइक आप देखेंगे क्रोम ब्राउजर दिया है, नेटफ्लिक्स, सबसे ज़्यादा जरूरत वाली चीज़ अपना मैप होती है, मैप आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और Zlink के थ्रू आप इसका एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की मार्किंग जो है वो आपको मिल जाएगी।
रियर व्यू जो कैमरा है वो आप लोगों को मैंने दिखाया उसकी कैसे प्लेसमेंट रहने वाली है, OEM प्लेसमेंट जो है वो करी गई है। आउटपुट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्स है वो आप चेक कर सकते हो। तो ये बताइए मनीष भाई, कौन सा कैमरा लगाया आपने? ये भाई ESG लगाया है, 1080 पिक्सल का है और इसकी भी एक साल की गारंटी आती है। कैमरे की क्वालिटी देखो कितनी क्लियर आ रहा है। और ये गाइडलाइंस वगैरह मूव करेंगे? गाइडलाइन वैसे जो एलो है ना, जैसे आप बॉडी मूव करोगे वैसे ये पूरा मूव करेगा। तो रनिंग कंडीशन में जो है रनिंग कंडीशन में होता है जी। तो अभी आप लुक जो है वो चेक कर लीजिए किस तरीके का जो है वो आपको इसके साथ देखने को मिल रहा है। क्लियर विजन जो है वो अपना यहाँ पर रहने वाला है। और भैया साउंड का आउटपुट बढ़िया है इसमें, जो एंड्रॉइड का जो आउटपुट है ना बहुत हैवी आउटपुट है। हम अगर स्पीकर चलाओगे तो मजा आ जाएगा गाना सुनने में। मतलब कि एक अच्छे आउटपुट वाला सिस्टम जो है लगाया गया और अच्छे स्पीकर जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। तो कैमरे की बात ये अपनी हो चुकी है, इसके अलावा क्या लगा इसमें? मैट डाला हमने क्यूपी की वेबसाइट आपके पैर के नीचे, बहुत हैवी क्वालिटी का भैया, लाइफ लॉन्ग चलता है। क्यूपो मैक्स वाले जो अपने यहाँ पे मैट है वो लगाए गए हैं। इसमें क्यूपो भी आता है जो कि सस्ती रेंज में होता है, मैक्स वाला है। मैक्स वाला जो है ये अपना JFX की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल टक्कर देता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का मैट जो है लॉन्ग लास्टिंग यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें आप मैक्स जरूर चेक करिएगा क्योंकि मैक्स वाला जो महंगा होता है अपना, हाँ मैक्स में महंगा आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट उसके बाद इसे हमने आमरेस चेंज कर दिया, ये आप चेक कर सकते हो। विद शेडिंग मारुति जेनवन जो है वो रहने वाला है यहाँ पे, प्रॉपर वर्किंग स्लाइडिंग का फीचर वर्क करेगा। नीचे आपको स्पेस भी मिल जाएगा, वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये स्पेस वगैरह जो है वो रहने वाला है और इसमें चाहो तो आप USB वगैरह भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। बैक साइड का है 1000-2000 का, फ्रंट में USB लग जाएगा 1200 के रेंज में। ठीक है जी, 600 का आता है 1200 का आता है, दो अपने ऑप्शन हैं। 600 बिना वायर का, 1200 वायर के साथ है। मैं इसे कॉन्टैक्ट करूं, मैं आपको कोटेशन लोकेशन दोनों भेज दूंगा आपको। तो व्हाट्सएप नंबर और जो है वो मनीष भाई का नीचे मेंशन आपको यहां पे मिल जाएगा। बाकी बहुत सारे सामान लगता है इसमें, इनर क्रोम लग जाएगा आपका, इनर हैंडल लग जाएगा। इनर हैंडल अब ये प्राइस आता है आपका 1000 रुपये का, इसका प्राइस आता है 1200 रुपये का। तो इस वाली गाड़ी के एक बजट मॉडिफिकेशन जो है वो किया गया है, 35,000 का हमने इसको बेस टू बनाया, 35 में सारा काम जो है वो किया गया है। और भैया से हमारी एक महीने से पहले बात चल रही थी, भैया को फोन दिन में आया था, भैया आज ही आ गए। ठीक है जी, और वह मिल लेते हैं भैया से और जानते हैं कैसा उनको काम लगा है। तो मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं। सर आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनीत यादव है। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? हम एक्चुअली गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से? हाँ जी। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? हमने आपकी YouTube पे वीडियो ही देखी थी और एक दो हमारे दोस्त भी थे जो पहले आ चुके हैं, तो उनसे भी कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने भी भैया का रिव्यू लिया था उनसे, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बताया था रिस्पॉन्स। तो मतलब कि आपको डबल जो है रिकमेंडेशन मिल गया, एक तो रिकमेंडेशन मिला, दूसरा आपने YouTube पे वीडियोज़ वगैरह देखे, तो जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी सब यहाँ पे मिल गई। हाँ, हमें बेसिकली एक बेसिक किट चाहिए थी, और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपको मार्केट का वो तो पता है कि सब बुलाते हैं, बट हमें ये था, हम ट्रस्ट करके भैया के पास आए थे और सच्ची में जो भैया ने काम किया है यहाँ की मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो बेटर है, बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो जो आपको रिकमेंडेशन मिला वो आपको सही मिला? हाँ जी, हमें पर्सनल रिकमेंडेशन मिला था, और हम भी अब अगर जो भी हमारा भाई देख रहा है हम भी उन्हें से एक पर्सनल रिकमेंडेशन ही दे रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा ट्रस्ट करके आओगे ना तो आपको अपने काम पर खुद ही दिख जाएगा जो भैया करते हैं। तो जो भी अमाउंट आपने स्पेंड किया वो अमाउंट जो है वो आपको वर्थ लगा? हाँ जी, हमें काफ़ी वर्थ इट लगा, और भैया की हमें सबसे अच्छी बात जो कहते हैं ना भाइयों में दिल की बातें होती है, वो भैया ने एक की जो कि ये आप से हम दिखाते हैं, जो कि ये भैया ने स्टैचू दिया है हमें, हमने इसका भैया से प्राइस पूछा और भैया ने हम पे इस पे एक रिस्पॉन्स दिया कि हम भगवान नहीं बेचते हैं। तो ये सच्ची में हमारे लिए मतलब बहुत लाखों करोड़ों की बात है, ये कहने को सब लोग नहीं कह पाते हैं और ये बिल्कुल हार्ट टचिंग बात थी हमारे लिए। मतलब कहने को तो ये छोटी सी बात है लेकिन इसकी जो अर्थ है बहुत बड़े हैं जाते हैं। ये हमें सच्ची में भैया की बहुत ये लगता है कि भाई उससे ये साबित होता है कि बंदा कैसा है, बंदे की सोच कैसी है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल आप एज अ नेचर भी सेटिस्फाइड होकर के यहाँ से जा रहे हैं? हाँ जी, भैया का नेचर बहुत अच्छा है, 10 out of 10 दे रहे हैं हम। कंप्लीट नंबर जो है वो रहने वाले हैं। मॉडिफिकेशन देखिए। ठीक है, भाई से भी जान लेते हैं। भाई अपना नाम बताइए। हेलो भाई, मुकुल यादव। आप बताइए सर, आपको काम वगैरह कैसा लगा? भैया काम हर जगह मिलेगा मार्केट में, बात होती है नेचर की। हाँ जी, नेचर भैया का बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल जो डाउन टू अर्थ है कि भैया ने खुद मिलकर काम करवाया, सारा साथ हेल्प करवाई, और जो भी मार्केट से अच्छा रीजनेबल रेट में दिया है, करोल बाग मार्केट ऑटोमोबाइल्स वगैरह की है, बट भैया का नेचर वगैरह और कहाँ जो काम की स्किल्स वगैरह है सारी चीज़ इनको प्रोवाइड कराई हमें। अगर कुछ चीज़ प्रोवाइड इनके पास नहीं थी बाहर आफ्टर मार्केट दिलाई, ऐसी बात नहीं है, सेम रेट में। तो मतलब कि ओवरऑल आप कहो तो जी सर, यहाँ पे फ्रॉम्स का जितना भी काम हुआ है ओवरऑल अच्छे से हो चुका है। तो अगर आपसे नंबर पूछे क्योंकि भैया ने दे दिए 10 में से 10 नंबर, भैया 10 out of 10 आपकी तरफ से कंप्लीट नंबर जो है वो रहने वाले हैं। अच्छा भैया ने हमें ना एक मिनट, मैंने मैसेज किया था भैया ने। हाँ जी, फिर आज आया भैया, हम भैया मैंने कोटेशन लोकेशन भैया दोनों उस टाइम दोनों ही भेज दिया था मैंने। भैया एक्चुअली सर्च कर रहे थे मार्केट में किसके प्राइजेस कैसे, किसके प्राइस कैसे, तो भैया ने बोला सीधा भाई की भैया पे लगा, मनीष भैया पे, तो हम कहीं नहीं सीधा मनीष भैया के पास आए,
बहुत लोग भैया रास्ते में रोक रहे थे मेरे पास, काम करवा लो, रेट ले लो, मतलब भैया लेकिन थ्रस्ट करके मेरे पास ही आए, कहीं नहीं रुके, बट ट्रस्ट काम आया, ट्रस्ट आपको काम आया बिल्कुल। और भाई की लोकेशन में भी काफी कंफ्यूजन हो गई थी, भैया ने एक बंदा भी भेजा था हमें पर्टिकुलर लेके आने के लिए, तो वो हमारी गाड़ी में बैठ के और हमें एक थोड़ी जो भी कंफ्यूजन थी मार्केट में ट्रैफिक वगैरह, तो भैया ने वो भी रिजोल्व कराई हमें लेके आने तक भी, तो मतलब पूरा सहयोग जो है वो आपको यहाँ पर मिला है। तो आप दोबारा से रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड करना चाहेंगे आप? भाई हम बिल्कुल रिकमेंड करना चाहेंगे, हमने फ्रोंक्स कराई है, हम देखो बाकी को नहीं तो नहीं बता सकते, बट हमने जो फ्रोंक्स कराई है ना, आपके पास अगर जरूर फ्रोंक्स है ना, आप सो बिना आंख बंद करके आप आ सकते हो सच्ची में। ठीक है, और आपकी तरफ से सर? बिल्कुल भैया, भाई ने कह दी बस, कितना बस 500 रुपए तो नहीं लिए भाई आपने? नहीं नहीं भाई, ऐसा कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये इतनी बड़ी बात देखो हम बोलते नहीं है कभी भी ऐसा, बट भैया ने जो ये बात कही है ना, ये सच्ची में लाखों करोड़ों की बात है, जिस जो समझ जाए उसके लिए लाखों करोड़ों की है, और वो कोई ऐसे कह देगा भैया ऐसे इतने बचा रहा है 200 में दे देगा क्या है वो। हाँ। भैया ने जो बात कही है ना वो सच्ची में लाखों करोड़ों की बात है, भैया ने ऐसे दिल से ये बात कही कि भैया हम भगवान नहीं बेचते, ये आपके लिए हमारी तरफ से गिफ्ट है, हार्ट टचिंग मूवमेंट हो गया ये सच्ची में, हमें बहुत काफी अच्छा लगा। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, और आप दोनों भाइयों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।